जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच बेगूसराय पुलिस ने भी पूरी तरह अपराध नियंत्रण के लिए कमर कस ली है और इसी कड़ी में बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने खुद देर रात्रि तक सड़क पर उतरकर कई जगहों में जैसे ट्रैफिक चौक, हर हर महादेव चौक, खांतोपुर चौक, कालीस्थान चौक, रोको टोको अभियान के तहत वाहन चेकिंग के साथ साथ कई होटलों में जाँच पड़ताल किया गया। हालांकि इस क्रम में कहीं भी किसी तरह का संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने कहा कि बेगूसराय पुलिस के द्वारा लगातार अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, खासकर डायल 112 की जो गाड़ी है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, या फिर अन्य जगहों पर लगाई गई पुलिस की टीम मुस्तैद है या नहीं, इसके लिए वरीय पदाधिकारी को द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे कि अपराधियों में खौफ रहे और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी भी सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। गणतंत्र दिवस से पहले ये गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी और जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। आज बेगूसराय के टाउन क्षेत्र में रात में जो बीट पेट्रोलिंग का सिस्टम हम लोग ने लागू किया है, उसकी प्रभावशीलता को देखने के लिए आज सभी लोग हम लोग रैंडमली चेकिंग के लिए निकले हुए हैं। इसमें अभी काली स्थान में जो बीट है, यहाँ जो हमारे हवलदार सिपाही रात को तैनात हैं, वो कितने अलर्ट हैं उसको हम लोग ने चेक किया। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उसकी हम लोग गहनता से चेकिंग करा रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है तो उसको लेके पूरी जिला पुलिस को हाई अलर्ट पर हम लोग ने रखा हुआ है। तो रात को शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर जो नियंत्रण हम लोग ने बनाया है वो बना रहे, उसके लिए रात को जो बीट पेट्रोलिंग का सिस्टम है वो बहुत प्रभावकारी साबित हो रहा है और इसको चेक करने के लिए समय समय पर कोई ना कोई सीनियर अधिकारी निकलता रहता है और उसी क्रम में आज हम सभी लोग से निकले हुए। ये ट्रैफिक चौक पे हम लोग ने चेक किया, फिर हर हर महादेव चौक इंपॉर्टेंट एरिया है वहाँ चेक किया, फिर खातोपुर पर किया, डायल 112 की गाड़ी को भी हम लोग ने चेक किया है, कुछ होटल लॉजिस को चेक किया गया है आज, इसके अलावा टाउन थाना को भी हम लोग चेक करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जो रात को जो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं, एक एक गाड़ी की डिग्गी को, गाड़ी के ड्राइवर के पेपर्स को, सभी को चेक कर रहे हैं। देखिए, अभियान का बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे जो सिपाही हैं, जवान हैं, जो रात को इतनी ठंड में अपने बीट पे लगे हैं, वो मुस्तैद हैं पूरी तरीके से, ये देखने में आ रहा है। जो गाड़ियाँ हैं हमारी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, डायल 112 की गाड़ियाँ, उसकी वायरलेस कैसा काम कर रहा है, सिस्टम कैसा काम कर रहा है, वो भी चेक, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा टाउन क्षेत्र में जो रात में चोरी की घटनाएं पहले होती थी उसमें अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक हम लोग को इस सिस्टम के द्वारा ही मदद मिली है, तो इसको हम लोग रेगुलरली चेक करते रहेंगे और इसको और भी अधिक से अधिक हम लोग मजबूत करेंगे। क्या लग रहा है सर कि रात में ज़्यादा शराब तस्करी किया जाता है, उसका भी कुछ? देखिए, दिन में जितनी पुलिसिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी रात को भी इम्पॉर्टेंट है, और ये बात सही है कि रात में बहुत सारे लोग संदिग्ध एक्टिविटी करते हैं, तो उसी को चेक करने के लिए, उसी को रोकथाम करने के लिए रात के पूरा सिस्टम हम लोगों ने बेगूसराय में डिज़ाइन किया है और ये बढ़िया से काम कर रहा है या कैसा कर रहा है इसको चेक करने के लिए आज रात को हम लोग सभी लोग निकले हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।